विधानसभा चुनाव तो बाद जिथे उम्मीदवार लोगों का धन्नवाद करन विच रुझे हुए हैं उत्थे ही 11 मार्च नतीजे वाले दिन की याद करते ही उम्मीदवार के दिलों दी धड़कना तेज हो रही हैं। इसे का जायजा लैन के लिए अज साडी टीम ने हुशियारपुर तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुंदर शाम अरोड़ा नाल गलबात की। पेश है इस संबंधी साडी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों। दोस्तों अज मैं पहुँचया हैगा वा सुंदर शाम अरोड़ा जिहड़े कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। तुहानूं पता है कि इलैक्शन हो चुके ने, वोटां पै चुकियां ने, लोगों दीआं वोटां जिहड़ियां हैगियां बटन दबा के मशीनां दे विच फिट हो के स्ट्रोंग रूम दे विच जिहड़ियां पईआं हैगियां अज देखण वास्ते आए हैगे आं कि जिहड़े जिहड़े उम्मीदवार इलैक्शन दे विच खड़े सीगे 11 तरीक तक उन्हां दीआं दिल दीआं धड़कणां जिहड़ियां किन्नियां कु तेज़ होईआं पईआं ने। और इलैक्शन दे दिनां दे विच बहुत ज़्यादा जिहड़े बिजी रहे ने, ते हुण 11 तरीक तक यानी कि 11 मार्च तक जद तक रिजल्ट नहीं आ जांदा इस समय अपना किदां बतीत करदे ने, ते अज फिर पता करदे आ सुंदर शाम अरोड़ा जी 11 तरीक तक अपना समय जिहड़ा है किदां बतीत कर रहे ने और दिलां दीआं धड़कणां किन्नियां कु तेज़ होईआं पईआं। आओ फिर करिए गलबात। हाँ दोस्तों, असं पहुँच चुके हैं सुंदर शाम अरोड़ा जी जिहड़े कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है और पहला भी मौजूदा जिहड़े है हुशियारपुर के कांग्रेस पार्टी के MLA है। इलैक्शन हो चुका है, लोगों ने वोटां पा दित्तियां हैं, 11 तरीक नूं रिजल्ट क्लीयर होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्हों का शड्यूल जिहड़ा है इलैक्शन दे विच बिजी रहा है। इन्हां नाल गलबात करते हैं कि हुण जिहड़ा हैगा समय इन्हां दा किदां बतीत हो रहा है। रोड़ा साहब, इलैक्शन हो चुके ने, काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा हैगा वा बिजी रहे हो, सारे जिहड़ी आ कंस्टीट्यूएंसी दे विच अपने तुसीं घूमे हैगे हो, ते हुण फिर जिहड़ा हैगा समय किदां बतीत हो रहा है? पहलां तां मैं थर्ड आई चैनल दा धन्नवाद करदा कि तुसीं सच्चाई नूं दिखाने की कोशिश की है। तो इलैक्शन तो बाद दे जिहड़े समय की गल है, इस तरह ही रोज़ लोग आ के मिल रहे हैं, लोगों बड़ा उत्साह आ जिन्हें बूथ लगाए, जिदा बूथों तो वध वोटा कांग्रेस पार्टी नूं पईआं, और लोगों बड़ा उत्साह आ, सारे आ के मिल रहे ने। मैनू नहीं लगा कि इलैक्शन, हाँ एक थोड़ी रिलीफ तो मिली कि जिहड़ी नट भज सी वह खत्म हुई है, लेकिन मेरा लोगों नाल मिलना उदा ही जारी है। अज श्री गुरु रविदास महाराज का 640वां प्रगट दिवस है, अज मैं तकरीबन सारे ही पिंडां ते सारे प्रोग्रामां दे विच जा रहा, लोगों को बधाई देन। तो लोगों बड़ा उत्साह आ, टाइम लोग सिर्फ 11 मार्च की उड़ीक कर रहे हैं कि जो असी मेहनत की आदा की नतीजे आते हैं, किन्नी लीड से असी जितते हैं, अज लोगों के इस गल की चर्चा है। हाँ रोड़ा जी, लोगों ने वोटा पा दतियाँ, पिंडां दे विच तुसी घूमे हैगे आ, लोगों नूं जा के जिहड़ा हैगा अपनी पार्टी दीआं नीतियां भी जिहड़ियां हैगियां लोगों नूं जिहड़ा हैगा दसियां हैगियां, और आने वाले समय दे विच जिहड़ा हैगा तुहाडी सरकार बनदी हैगी आ ते किहड़े किहड़े तुसी काम करने हैगे आ, ते लोगों का भी धन्नवाद करन दे वास्ते वख-वख पिंडां दे विच जा रहे हो। 11 तरीक तो रिजल्ट आने तो बाद जिथे कि पंजाब दे अंदर एक बड़ा ही उत्साह है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, और पहला आप जितीए उस तो बाद जो भी पार्टीसपेशन पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर पार्टी ड्यूटी लगाएगी उन्हें तह दिली नाल मैं काम करांगा। जिते तक धन्नवाद की गल है, हर हल्के दे विच, हर पिंड दे अंदर, हर महल्ले दे विच लोगों का धन्नवाद करन जावांगे, प्लस जिहड़ियां जिम्मेवारियां जां मैं अपनी जिम्मेवारी समझदा कि मेरी हल्के दे प्रति की जिम्मेवारी है, किन्ने साडे काम जिहड़े रुके हुए हन, सारियां तों वड्डा काम जिहड़ा मैं समझदा हाँ एक नशे नूं पंजाब दे विच दूर करना है।
चार हफ्तों के अंदर जी असी कमिटमेंट की कि कांग्रेस की सरकार अंदर आने के बाद असी जी हुशियारपुर जिन्हें भी जिन्हें नजायज़ नशे मुक्त बिकते हैं इनू खत्म कर देंगे, अमन और शांति लैके आवेंगे। लोग राज आएगा जब कांग्रेस की सरकार आएगी, लोग अपनी गल कह सकेंगे। जिन्हिया भी मेरिया ड्यूटीज़ ने लोगों के प्रति या पार्टी के प्रति मैं ईमानदारी और तनदेही निभावगा। अरोड़ा साहब आपी जी है नुक्कड़ मीटिंगा भी होर भी जोड़े तुम जे है जलसे वगैरह किए है उ आप जरा वाच करते रहे हैं तो सुनते रहे है उत्थे सर तुम हुशियारपुर के लोगों के नाल दो तीन जोड़े है वादे किए थे। नंबर एक तो यह कि हुशियारपुर जोड़ा है नशे तो मुक्त करना। सैकेंड सेगा जी गुंडागर्दी का जोड़ा राज जोड़ा है पिछले काफ़ी अरसे तो जोड़ा हुशियारपुर के चल रहा है वोद तो जनता जोड़ा है लोगों जी मुक्ति दिलानी। तीसरा सेगा जी हुशियारपुर जोड़ा है इसनों छोटी कांशी कहा जाता है और वाकया ही इसनों कांशी का रूप जोड़ा है देना है जोड़ा है सब तो पहला जोड़ा है वा थोड़ी सरकार बनन के उत्ते जोड़ा है किम जोड़ा है वा पहला पहल के आधार के उत्ते लिता जा रहा है। देखो जिथे तक मेरी जिम्मेवारी का संबंध है जड़िया चीज़ा मैं लोगों को कहता आ रहा वो तिने ही चीज़ा प्रायोरिटी से शुरू हो सब तो पहला नशाबंदी जिड़ी के साढ़े हुशियारपुर हर गली महल्ले दे जिड़ी देन सी अकाली बीजेपी सरकार दी उन्हू पूर्ण रूप खत्म कर दिता जाऊगा। लोग सुख की सह लैणगे बहुत वड्डी गिनती मेरिया भैणां ने इलैक्शन दौरान ये मैनू गल कही सी कि साढ़े जड़े महल्लियां दे अंदर शरेआम शराब बिकती है और गलियां महल्लियां च लड़ाइयां हुंदियां ने इनू पूर्ण रूप च सफाया कर दिता जाऊगा कि जड़े नजायज़ ठेके जां नजायज़ नशे बिकते ने ये पूर्ण रूप च बंद हो जाएंगे कांग्रेस की सरकार आने ते। दूजी गल जिहड़ी आपां गुंडागर्दी की गल की गई मैं तुहानूं विश्वास नाल इह गल कह सकदा तुहाडे लोगों के आशीर्वाद नाल विश्वास नाल इह गल कह सकदा कि गुंडागर्दी पूर्ण रूप दे विच हुशियारपुर च खत्म कर दित्ती जाऊगी। सवाल ही नहीं पैदा हुंदा कि गुंडागर्दी हुशियारपुर के अंदर रहे। यही मेरी ड्यूटी है, यही मैं अपने मन के अंदर सोच लैके आया कि ऋषिया मुनिया का शहर है मिनी कांशी इहनूं कहिंदे आ ते गुंडागर्दी शराब इत्थों असीं बाहर कढ़नी है ते एक धार्मिक शहर जिहड़ा कि साडे बजुर्गां ने बना के रख्या जिहनूं कि मिनी कांशी कहिंदे आ घट्टो घट्ट असीं सारे जणे प्रयास करिए तो उस चीज़ नूं कायम तां रख सकदे आ ना। तो यही मेरा प्रयास है कि एक सुंदर शहर मिनी कांशी जिहनूं कहिंदे ने धार्मिक लोग ने उदां दा ही उहनूं सुंदर बनाया जाए नशा मुक्त किया जाए और गुंडागर्दी हुशियारपुरों खत्म की जाए। यह जड़िया चीज़ा वो नाल नाल मेरे मन च साडे जिहड़े बच्चे नौजवान पढ़े लिखे घर च बैठे ने उन्होंने कोई विकास लैके आना हुशियारपुर के इंडस्ट्री लैके आनी कि उन्होंने बच्चों रुजगार मिल सके और जिहड़े साडे अज हताश ने नौजवान जिहड़े नशियां च चले गए ने उन्होंने कोई काम कर दे के नशियां तो वापस लैके आना अमन और शांति का माहौल पैदा करना हसदा वसदा रहे मेरा हुशियारपुर यही मेरा सपना है। रोड़ा जी साडा शहर जिहड़ा हैगा विच विच काफ़ी छोटे छोटे बाजार भी है सब तो बड़ी समस्या जिहड़ी हैगी है लोगों नूं ट्रैफिक दी आंदी हैगी है कोई ट्रैफिक वाले पासे भी जिहड़ा हैगा कोई जिहड़ा हैगा कोई इहो जिहे जिहड़े हैगे नवी कोई चीज़ जिहड़ी हैगी बनाई जाएगी जिहदे नाल लोगों नूं ट्रैफिक दी समस्या तो जिहड़ा हैगा निजात मिले। जिन्नियां जगह कारपोरेशन दीआं खाली पईआं ने जां जिन्नियां होर भी शहर दे विच जगह खाली पईआं ने उत्थे प्रयास होएगा कि उत्थे ट्रैफिक बना दिती जावे किते कार पार्किंग किते स्कूटर पार्किंग कि लोगों जिहड़े छोटे बाजार आ उस तो बाहर पार्किंग जिहड़ी आ रह सके ना लोगों नूं मुश्किल आवे ना बाज़ारां दे विच इन्नी भीड़ रहे। जिहड़ी ट्रैफिक दा इंतज़ाम जगह सारियां देख के कारपोरेशन नाल सलाह करके किथे किथे जगह प्रोवाइडेड हैगियां ने उत्थे असीं पार्किंग से स्थान बनावांगे तां कि जिहड़ा वधिया तरीके नाल पार्किंग हो सके। और मेन जिहड़ा मेरे दिमाग ते गल चलदी है कि जिहड़ा सफाई दा मुद्दा है ये सफाई दे मुद्दे नूं ठीक करना है थां थां जिहड़ी गंदगी है उहदा सफाई सेवकां दी भर्ती करके वो सारिया चीज़ा ठीक करनिया ने ताकि एक सुंदर हुशियारपुर बन सके ट्रैफिक समस्या दूर हो सके हरिया भरिया हुशियारपुर मेरे सपन का हुशियारपुर एक वधिया बन सके यही सोच नूं मैं लैके आया। अरोड़ा साहब विधानसभा के इलैक्शन दे विच एक नवा जिहड़ा कोई कैंडीडेट खड़ा हुंदा हैगा उहनूं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पैंदी हैगी है तुसीं 5 साल जिहड़ा हैगा MLA रहे हो इहदा भी इस इलैक्शन दे विच जिहड़ा हैगा वा तुहानूं कोई बेनीफिट मिलिया हैगा।
देखो साड़ी सरकार नहीं सी, बेनीफिट नुकसान दोनों चीज़ा होंदिया ने। साड़ी सरकार नहीं सी, लोगों की बड़ी उम्मीद सी कि असी MLA बनाया, साड़ी सरकार नहीं सी। ये बादल सरकार जिहड़ी हलका इंचार्जा तो काम लेंदी रही, जिहड़ा कि MLA दा रोल हुंदा, जिहड़ा कि विपक्षी जिहड़ा साडा मैं कह सकदा लोगों ने जिहनूं हरा दित्ता सी, ਉਹ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਬੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਫਾਇਦੇ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਪੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋੜਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਤਬਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਲੁਕਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ MLA ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ MLA ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ MLA ਬਣੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਖੂਬੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ MLA ਦੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮਿੰਨੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰਣ ਹੁੰਦੇ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਸ ਨਗਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਾਂ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, 10 ਫਰਵਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ 11 ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੜਕਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਦੇਖੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
वो दिन रोज़ एक एक घटी जाता है। तो प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा जहा पहले लग रहा सी कि इन्ने दिन किदा कटने ने, पर प्रयास कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं और लोगों दी मुश्किलों अज भी उस तरह जान रहे हैं, पिंडा च जा रहे हैं, हर लोगों को मिल रहे हैं। मैं लगता नहीं है कि बहुत औखा लगे, समा कट जाएगा। जदों ये पाँच चार दिन रह जाने फिर उस गल का चा चढ़ जाना कि 11 तरीक नेड़े आ रही है। महामाई का जोड़ा है, माँ चिंतपुर्नी का जोड़ा है, का पूर्ण आशीर्वाद जोड़ा है तुहाडे ते हैगा। तो हर काम जोड़ा हैगा तुसी माँ चिंतपुर्नी दा याद करके, माँ दे चरणा दा आशीर्वाद लैके जोड़ा है शुरुआत जोड़ा है तुसी करदे हो। तो हुण फिर माँ दे चरणा दे विच जोड़ा है हर रोज़ अरदास करदे हो 11 तरीक दी? मैं तो माँ दे चरणा च सदा अरदास करदा, मेरे लिए तो रोज़ 11 तरीक है। माँ तो माँ का आशीर्वाद मेरे ते बनया होया और मैं ही उम्मीद करदा कि सारे शहर ते माँ का आशीर्वाद बनया रहे। लो जी, ये सन सुंदर शाम अरोड़ा जी, 11 तरीक एक महीना रह गया है, जिथे कैंडीडेट जिहड़े हैगे उन्हां दी दिनां दीआं धड़कणां जिहड़ियां हैगियां तेज़ होईआं पईआं, उत्थे सपोर्टर शहर हुशियारपुर दे हर बंदे दी दिल दी धड़कन जिहड़ी हैगी है तेज़ होई पई हैगी है कि हाँ कदों 11 तरीक आवे, रिजल्ट जिहड़े हैगे डिक्लेयर होण और उन्हां दा मन चाहुंदा जिहड़ा उम्मीदवार हैगा वह हुशियारपुर दी तो जित के विधानसभा दे विच पहुँचे। तो हुण जिहड़ा हैगा 11 तरीक नूं पता लगेगा कि किसनों राज मुकट जिहड़ा हैगा वा लोग पहनांदे ने। तुसी देखदे रहो थर्ड लाइन न्यूज़, कैमरा परसन कुलदीप कक्कड़ के नाल अश्विनी शर्मा, थर्ड लाइन न्यूज़ हुशियारपुर।